विरार के खनेड़े क्षेत्र में तानसा नदी में तीन किन्नरों के डूबने की जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे में तीनों किन्नरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। जी हां, हालांकि अभी तक किसी की भी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है। डेड बॉडी की खोजबीन जारी है। जानकारी के अनुसार कल अमावस्या की रात की पूजा के बाद अपनी प्रथा के अनुसार किन्नरों का एक समूह तानसा नदी में आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में नहाने गया था। पानी की गहराई एवं बहाव का अंदाजा नहीं होने से तीन किन्नर पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलने पर वसई विरार मनपा अग्निमश दल ने घटना स्थल पर पहुंचकर लाशों की खोजबीन शुरू कर दी है। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बता सकते हैं? कल अमावस्या पूजा के लिए हम लोग पूजा करवाई करते हैं। पूजा होने के बाद में इधर नहाने के लिए आज सुबह आई थी, 6 जन नहाने के लिए आई। बाद में वो लोग पानी बढ़ने लगा था, थोड़ा नहा लिया, आने के लिए सोच रही थी, लेकिन उसमें थोड़ा पानी भर के 3 जन अंदर जा रहे, बाकी 3 जन लोगों को हाथ पकड़ा था एक, अब उसमें सब खींच खींच के 3 जन ऊपर आ गई, बाकी 3 जन अंदर गए, डूब गए। हमको 11 बजे पता चल गया, हम लोग आए थे तब से जाके मांडवी चौकी पे हम लोग कंप्लेंट दिया था, वहाँ से पुलिस वाला आके हमको पूछा रहे। बस दुर्गा पूजा के बाद में नहाने के लिए आप आए थे? अमावस्या के बाद, कल बड़ी अमावस्या का दिन है ना, इसलिए अमावस्या का पूजा होता है हमारा, वो होने के बाद सुबह आके नाचते। अच्छा, तीन लोग गए, तीन लोगों को मतलब बचाया गया कि तीनों? नहीं, वो ऐसा ही ऊपर आ गई, वो लोग भी जाने वाली थी लेकिन ऐसा तैर के ऊपर आ गई वो तीन लोग, बाकी 3 लोग गए।